नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा प्यारा से मैट बनाने का आसान सा तरीका। यहाँ पे जो आप ये मैट देख रहे हो, ये हमने नीचे की साइड इसमें लगाया है पुराना टॉवल। आप देख रहे हो पुराना टॉवल जो होता है वो यूज किया है, और ऊपर की साइड हमने छोटी छोटी जो कतरने होती हैं बची हुई, तो वो हमने यहाँ पे यूज की है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों, जो आपने मैट का डिजाइन देखा है उसे बनाने के लिए हमने छोटी छोटी जो कतरनी होती हैं बची हुई ये ली हुई हैं, और एक हमने यहाँ पे टॉवल का टुकड़ा लिया हुआ है। आपने जो भी साइज तैयार करना हो उस हिसाब से आप टॉवल का पीस जरूर ले लें। यहाँ पे साइज है हमारा 24 इंच, 24 इंच इस तरीके से होगा, और इस तरीके से रखा है हमने यहाँ पे 16 इंच। तो 16x24 का हमारे पास ये पीस है, और ये है कतरनी छोटी छोटी। कोई कटिंग वगैरह जो भी करनी है हमने साथ के साथ वहीं पे मशीन के ऊपर जाके करनी है। तो चलते हैं मशीन पे और सीखते हैं इस मैट को बनाने का तरीका। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम मशीन पे। अब हमें जो ये हमारे पास कतरने हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, कोई भी एक एक करके कतरन उठानी है और इनको हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे बताऊंगा मैं कैसे अटैच करना है। जैसे कि हमारे पास ये कतरन आ जाती है, आपने कोई इसमें नाप वगैरह नहीं लेना है, कोई सिस्टम नहीं देखना है, सिर्फ आपने इसको अटैच करते जाना है। जैसे हमने यहाँ पे ये अटैच करनी है, तो इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे, और एक्स्ट्रा जो होगी यहाँ पे इसको काट देंगे। एक पट्टी करने के बाद हम दूसरी पट्टी हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। ज्यादा चौड़ाई वाली पट्टी हमें नहीं लगानी है, ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी पट्टियां जो होती हैं वही हमें यहाँ पे अटैच करनी है। जिस एंगल में भी आपका कपड़ा होता है, जैसे किसी भी एंगल में हो, आप उसी तरीके से इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो छोटा बड़ा करते हुए। ये आपने नहीं देखना है कि आपका किस शेप में आ रहा है, जैसे इस शेप में है तो इसमें कर दो, इस शेप में है तो इसमें कर दो। आपने इसको कवरिंग करना है, और तभी आपका ये जो मैट है ये थोड़ा हैवी बनेगा। अगर हम सोचेंगे कि इसको सिंगल सिंगल करके प्लेन पट्टी लगानी है, तो फिर मैट आपका हैवी नहीं आएगा।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सभी पीसों को कर लिया है एक के बाद एक अटैच। और यहाँ पे मेन चीज मैं आपको बता दूं, इसको हैवी बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये देखिए आप कितनी लेयर में यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, 1 2 3 अंदर की साइड 4 4 4 5 5 कपड़े हमारे यहाँ पे लगे हुए होंगे और पूरे पीस में इसी तरीके से आएंगे। जहाँ पे भी आप देखोगे सारा पूरा ये इसी तरीके से आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5। तो 4 4 5 5 कपड़े जब हैवी हो जाते हैं मोटे, और उसके बाद ये बहुत अच्छा बन जाता है, इस तरीके से हैवी बन जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे चारों साइड में लगानी है पट्टियां। तो यहाँ पे हमने ब्लैक पट्टी ली है, 2 इस साइड के लिए और 2 हमने ली है इस साइड के लिए। तो यहाँ पे चारों साइड ये पट्टियां हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे चारों साइड लगा ली है पट्टी और आप डिजाइन देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पे डिजाइन बन करके तैयार हुआ है। छोटी छोटी जो कतरनें होती हैं जिस शेप में भी हो, आप उसी शेप में इनको यहाँ पे लगाते हुए इस तरीके की मैट को तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। नीचे की साइड की बात करें तो नीचे हमारा यहाँ पे टावल लगा हुआ है, कोई भी पुराना जो टावल होता है, क्योंकि ये पानी को अच्छे से सोख लेता है। और ऊपर की साइड हमने इस तरीके की यहाँ पे डिजाइनिंग की है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।